हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ आज के लिए ब्लेसिंग प्लस गाइडेंस शुरू करते हैं। और ये देखिए कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करेंगे आप तो मैं कहीं ना कहीं बिजी रह सकती हूँ, आपका कॉल नहीं उठाऊंगी। और अगर मैं कॉल बैक करूँ तो कहीं आप इस सिचुएशन में ना हो कि आप कॉल ना उठा पाएँ, कोई इस तरह के सिचुएशन हो जाती है। तो आप मुझे सीधे मैसेज कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज, ठीक है? उसमें आप ये बता सकते हैं, पहले ही अपनी सारी स्टोरी मत बताइएगा, क्योंकि ऐसे में ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या जानना है आपको, क्या नहीं जानना है। फिर मुझे बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं, बहुत सारे मैसेजेस का आदान प्रदान हो जाता है। तो आप सीधे ये लिख दीजिए कि मुझे एस्ट्रो रीडिंग करवानी है या फिर टैरो रीडिंग करवानी है, ठीक है? और लेकिन अगर आपको पूरा ही तरीके से कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम, 1 मिनट आपसे बात करनी है, उसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि क्या करना है, फिर मैं आपको डिसाइड करके बता दूंगी। ओके, अब आगे बात करते हैं कि आपके लिए आज के दिन के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है प्लस गाइडेंस। यहाँ पर स्प्रेड किए हुए हैं ये नए कार्ड हैं, स्टार सीड्स कार्ड। आप स्टार सीड हैं तो ये स्टार सीड्स कार्ड आपके लिए आए हैं। तो देखते हैं कि क्या है ब्लेसिंग नंबर 41। अ ब्लेसिंग फॉर सोलेस एंड होप। जितना ज़्यादा आप शांत होंगे उतनी ही आशाएं भी आपके साथ मिलती जाएंगी। आपको आशाएं मिल रही हैं, प्यार मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है। आप ये समझिए, आपके लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है कि आप किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में हमेशा खुश रहें। इस तरह की आपको ब्लेसिंग मिल रही है और साथ ही साथ आशा मिल रही है कि आप कभी भी इस तरह से परेशान ना हो कि आगे क्या होगा, ठीक है? आगे कुछ भी हो लाइफ में, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ब्लेसिंग ये मिल रही है कि देख रहे हैं ना कार्ड कितना खूबसूरत है, बर्फ़ है और काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है आपने, इस तरह का दिख रहा है। और ठंड में आप बाहर खड़ी हैं एक दो कपड़े में बस, है ना? तो आपको सांत्वना, धैर्य और होप की ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है? धैर्य ही भविष्य की आशा लेकर आता है। धैर्य मतलब पेशेंस, और ज़िंदगी लगातार आपको अच्छे भविष्य की आशा दे रही है। लाइफ में आपने कितना ही मुश्किलें की, सही हूँ, जीवन में जो भी आपको जख्म मिले हैं, तकलीफ़ें मिली हैं, देखिए फीमेल फिगर है, अधिकतर फीमेल फिगर्स ही बनी होती हैं इन पिक्चर्स में, और अधिकतर टैरो रीडर्स भी फीमेल्स ही होती हैं, फीमेल बॉडी होती हैं। उसका रीज़न ही यही है कि फीमेल्स के साथ पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं घर से लेके बाहर तक ज़्यादतियाँ होती ही रहती हैं, और ये घर से ही ज़्यादा स्टार्ट होती है। इसीलिए जब घर में प्यार नहीं मिलता तो हम बाहर प्यार ढूंढने लगते हैं और बाहर वाले फ़ायदा उठाने में सक्षम होते हैं पूरी तरीके से, और वो यही देखते हैं। एक तरह से कहते नहीं कि शिकार की तलाश में रहते हैं। तो जब भी आप बाहर कहीं प्यार तलाशते हैं, बाहर कहीं सहारा ढूंढते हैं, दूसरा समझता है वाह भाई वाह, शिकार आ गया। तो इस तरह की बहुत सारी फीलिंग्स आपको झेलनी पड़ी हैं। सिर्फ ट्विन फ्लेम की बात नहीं है, ट्विन फ्लेम कभी भी इस तरह के बिहेव नहीं करते हैं, कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ट्विन फ्लेम इज़ डिफरेंट थिंग, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट सोल कनेक्शन है। ये कभी भी किसी भी तरीके से आपका फ़ायदा कभी भी नहीं उठाएंगे ज़िंदगी में, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना पैसे से। पैसे लेके भाग जाते हैं बहुत से लोग, वो उसका रीज़न यही होता है कि वो ट्विन फ्लेम नहीं होते आपके, जस्ट आपकी भावनाओं से खेलते हैं। क्योंकि फीमेल जो होती हैं, मन चंद्र की कारक होती हैं, चंद्र से काम लेती हैं, मन से काम लेती हैं। हाँ, एक इसमें एक सवाल ले लेती हूँ, नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा था कि मैम, कभी आप कहते हैं कि हार्ट से काम लेना चाहिए, कभी आप कहते हैं कि प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए लाइफ में। देखिए, प्रैक्टिकल ही काम कीजिए ताकि दूसरा कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। आजीवन स्त्री का फ़ायदा उठाना बहुत आसान है क्योंकि बहुत इमोशनल होती हैं, चाहे वो कितनी भी एज की हो। मैं सिर्फ फिजिकली फ़ायदा उठाने की भी बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कई बार बेटे भी होते हैं जो बहुत बूढ़ी माँ होती है उसको बेवकूफ़ बना देते हैं, माँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ला पैसा दे, तो अपने नाम कर लेते हैं सब कुछ, माँ को फिर साइड कर देते हैं। तो सिर्फ माँ बेटे की ही बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे रिश्ते, ये लेबल्स हैं जस्ट, ठीक है? मैंने सिर्फ एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है, सभी ऐसे नहीं होते हैं, ये भी बुरा मत मानिएगा कि ऐसा होता है। सब कुछ दुनिया में होता है, जो हम नहीं सोच सकते वो सब कुछ होता है।
और आप मेरी बात मान सकते हैं क्योंकि पर्सनल रीडिंग के दौरान बहुत कुछ सुनने को मिलता है। 2000+ पर्सनल रीडिंग्स मैं कर चुकी हूँ, तो कितना कुछ मेरे दिमाग में होगा, कितना कुछ मैंने सुना होगा दूसरों का। मैं भी कुछ खुद हैरान भी हो जाती हूँ कि क्या इतना एक्सट्रीम भी इंसान चला जाता है, क्या अपने भी इतना एक्सट्रीम अपने ही बच्चों को या अपने ही माता पिता को इतना दुख दे सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपने बहुत दुख झेला है, वो तो झेला ही होता है, फीमेल फिगर है तो नो डाउट झेला नहीं हो। हाँ, खुशकिस्मत हैं अगर आपने, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चली है, बढ़िया गवर्नमेंट जॉब है, मोटा पैसा आ रहा है, अकाउंट में भी भरा हुआ है, हस्बैंड वाइफ सब बहुत अच्छे से, बच्चे अच्छे से फ्लोरिश कर रहे हैं, चैरिश कर रहे हैं, ज़िंदगी को बड़े मज़े से जी रहे हैं, दैट इज़ गुड। वो इट मीन्स आप बहुत लकी हैं। अगर ऐसे में भी अगर आप मिजरेबल फील करते हैं तो ये आपका फॉल्ट होगा, क्योंकि दुनिया में दुख कम नहीं है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, ये आपके लिए ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। 41, 4+1=5, यानी कि बहुत ही मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में इस तरह से दिख रहा है इसमें कि खिलते हुए फूल, पानी पे पड़ती हुई सूरज की रोशनी और उसका आनंद आपकी समस्याओं को हल तो नहीं कर रहा, पर आपकी आत्मा को सुकून ज़रूर दे रहा है। मेरा कहने का मतलब है, फूल, पत्ते, पानी, सूरज, चांद, सितारे, ये सब आपके लिए बहुत सुकून देते हैं। अब इनसे देखना, इनसे बातें करना, इनको देखना और इनसे ही ब्लेसिंग मांगना और इनको ही थैंक यू कहना, ये सब आपके जीवन का बढ़िया हिस्सा बन गया है। तो आप भी संसार में अहमियत रखते हैं, आपकी भी कोई वैल्यू है, इस तरह से विश्वास रखें, यही आशा मिल रही है इस कार्ड से। तो अपने जीवन का फैसला अब बहुत हो चुका, लोगों ने बहुत आपको हर तरह से एग्जॉस्ट किया है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। अब आपके हाथ में मान लीजिए कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई पैसा नहीं, अगर एक्सट्रीम ऐसी हालत हो गई है, तो आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप आशा में रहें, भविष्य आपका अच्छा है, लेकिन भविष्य से डरे नहीं, क्योंकि डिवाइन एग्जिस्टेंस को आप महसूस कर पा रहे हैं। ईश्वर करे कि आशा आपको प्रकाशित करती रहे, आशा, होप, ठीक है, आपके कष्टों को हर ले, खत्म कर दे और आप पॉसिबिलिटीज़ के लिए तैयार हो जाएं, आशान्वित रहें, क्योंकि आप अभी जिंदा हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि चलिए अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लेते हैं, ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। कई बार एक्सट्रीम हो जाता है, कई बार देखिए अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो 47 ईयर्स तक तो कोई कोई दोष ही चल रहा होता है, काल सर्प दोष होता है, राहु चल रहा होता है 18 साल। तो इस तरह से अगर एक्सट्रीम चल रहा है ना आपका, तो कभी ना कभी ज़िंदगी करवट ज़रूर लेती है। बहुत बुरा हो रहा है तो अचानक से अच्छा भी हो जाता है। अच्छा, एक दो कार्ड्स और ले लेती हूँ, दो, ओह तीन, एक ही जगह से तीन आ गए। देखिए, द फर्स्ट कार्ड इज विजन। विजन मीन्स ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लें, अपनी ज़िंदगी को देखें कि अब मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज अर्थ गाइड। अर्थ गाइड क्या कह रहे हैं कि योर सेक्रेड कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज़ टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। ब्यूटिफुल, आपको अर्थ गाइडेंस ये मिल रही है ईश्वर से, पृथ्वी से, पृथ्वी एलिमेंट से ये मिल रही है कि आप पूरी तरीके से पवित्र हैं, आप खुद ही प्यार हैं, तो आपको प्यार में ही बह जाना चाहिए। आप प्यार हैं इसलिए सबको देती हैं। टू मच गिविंग, थोड़ा इसका भी ध्यान रखिए। तो हार्ट एंड प्रैक्टिकलिटी, इन दोनों को बैलेंस बना के चलिए, यही तो यिन यंग का वो है। अगर हार्ट से ही काम लेंगे कि ओ बेचारा है, ओ इसने मुझे बहुत हर्ट किया, मेरी ज़िंदगी हेल बना दी है, लेकिन वो इस टाइम तकलीफ़ में है, तो लो जी मैं इसको पैसे भी दे दूँ, गहने भी दे दूँ, सब कुछ कर दूँ, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी के साथ काम लेना होता है और हर्ट की जगह हार्ट का काम लेना होता है। मतलब दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके चलिए, ये नहीं कि किसी ने आपकी गर्दन काटी, आप कहें चलो कोई बात नहीं, मैंने माफ़ कर दिया, ऐसा नहीं होता है। माफ़ी कहाँ देनी है ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा जोश में आ रही हूँ। मैग्निफिकेंस, यानी कि यू आर अमेजिंग, मैग्निफिसेंट एंड यूनिक, मैग्निफिकेंट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। देखिए, आप बहुत ही अमेजिंग हैं, बहुत ही यूनिक हैं, यू नो दैट, आप जानते हैं कि आप एक स्टार सीड है, बिल्कुल अलग है, दुनिया से अलग हैं, कोई आपको नहीं समझ सकता है, लेकिन इसको ईगो ना बनाए, आप बस ये समझिए, हाँ ये कार्ड आपको ये शो कर रहा है, गाइडेंस ये दे रहा है, यू आर इनफ, आप अभी ख़त्म नहीं हैं, आप जिंदा हैं, आपको
इस ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत ही गाइडेंस भी आपको मिल रही है हर जगह से, विजन भी बनाएं। और ये कार्ड भी आपको, ये तीनों कार्ड इसी तरह के शेडिंग के हैं और ये बता रहे हैं ब्लेसिंग टू सोलेस एंड होप, आप ज़िंदगी में आशा के साथ बहते रहें, अच्छा समय ज़रूर आएगा। धन्यवाद।